नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर टिशू। लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि मस्कुलर टिशू क्या है और उसके क्या क्या टाइप्स हैं। अभी तक हमने एपिथेलियल टिशू, कनेक्टिव टिशू और मस्कुलर टिशू देख लिए हैं। एनिमल टिशूज का एक और भी टाइप है जो कि नर्वस टिशू है। सो वी विल सी द फोर्थ टाइप ऑफ एनिमल टिशू। थ्री टाइप्स देख लिए हैं, एपिथेलियल टिशू, नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिशू एंड थर्ड इज मस्कुलर टिशू, और अब हम देखने जा रहे हैं नर्वस टिशू। सो नर्वस टिशू, इट इज स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसमिट मैसेज विद इन अवर बॉडी। इट इज टू ट्रांसमिट, जैसे अगर हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो ब्रेन पे मैसेज पहुंच जाता है कि हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है। सो हाउ इट इज ट्रांसमिटेड, इट इज थ्रू अवर न्यूरॉन्स, इट इज अवर नर्व सेल। सो हमारी बॉडी में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ नर्व सेल हैं जो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और वो मैसेज को ब्रेन तक पहुंचा देती हैं। सो इट इज स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसमिट मैसेज विद इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में मैसेज को ट्रांसमिट करती हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। ब्रेन में भी नर्व्स होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी होती है, जो हमारी बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। पूरी बॉडी में नर्व्स फैली हुई हैं एंड नर्व्स। आपने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में नर्व सेल का फिगर देखा था, तो वही नर्व सेल नर्वस टिश्यू बनाती हैं। सो ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू इज इटसेल्फ इज मेड ऑफ नर्व सेल। सो इसका जो बेसिक कंपोनेंट है, नर्वस टिश्यू इज मेड ऑफ नर्व सेल। नर्वस टिश्यू इज मेड ऑफ नर्व सेल, या फिर इसे न्यूरॉन भी कह सकते हैं, न्यूरॉन से बना हुआ होता है। नाउ विच ट्रांसमिट्स द मैसेज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये माइन्यूट इलेक्ट्रिक करंट के तौर पर मैसेज को ट्रांसमिट करता है। विच ट्रांसमिट्स मैसेज, जब भी आप किसी चीज को देखते हो तो आपकी ऑप्टिक नर्व से मैसेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू आपके ब्रेन तक जाता है। जब किसी हॉट ऑब्जेक्ट को आप टच करते हो तो उसके सेंसेस, जो आपके सेंसेस हैं, जो स्किन है, उसके थ्रू मैसेज ब्रेन तक कैसे पहुंचता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू पहुंचता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट होती है, वैसे ही उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है, तो उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कह देते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअस हो तो करंट बोलेंगे, और बस आपने टच किया और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इलेक्ट्रिक करंट पैदा हुई, और दैट इलेक्ट्रिक करंट वाट एवर इज जनरेटेड इट रीचेज इंस्टेंटली, वो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स पर आवर की स्पीड से चलती है और ब्रेन तक पहुंच जाती है। विच ट्रांसमिट, सो जो कि ट्रांसमिट होती है, मेड ऑफ नर्व सेल, विच ट्रांसमिट मैसेज थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स
इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू ये मैसेज को ट्रांसमिट करती है। वेरियस न्यूरॉन्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर एंड मैसेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन एंड रीचेस अप टू ब्रेन। वेरियस न्यूरॉन्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ये जो भी न्यूरॉन्स हैं, दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इलेक्ट्रिकल ये सब कनेक्टेड होते हैं, इनके बीच में बहुत छोटा सा गैप होता है, बाकी आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो उस गैप के थ्रू भी सिग्नल ट्रेवल कर जाता है। एंड इन दिस वे मैसेज रीचेस, सो मैसेज मूव्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन एंड रीचेस टू ब्रेन। तो मैसेज का मतलब क्या है? इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स मूव्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर एंड रीचेस टू ब्रेन, रीचेस टू ब्रेन, तो ये ब्रेन तक पहुंच जाता है। ब्रेन इंटरप्रेट्स दैट मैसेज, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इंटरप्रेट करता है और पता लगा लेता है कि हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है या हमने शेर को देखा है या क्या देखा है, वो सारे मैसेज को इंटरप्रेट कर सकता है, उसको फिर से वो मैकेनिकल सिग्नल में बदल देता है। तो हम लोग देखें कि न्यूरॉन वास्तव में होता क्या है। हाउ इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज नर्व सेल, इज लुकिंग लाइक, वो कैसी दिखती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और वो मैसेज को कैसे ट्रांसफर करती है। सो लेट अस सी दैट हाउ न्यूरॉन लुक्स लाइक। नाउ न्यूरॉन हैज फॉलोइंग थ्री पार्ट्स। न्यूरॉन को आप नर्व सेल ही कहिए, नर्व सेल हैज फॉलोइंग थ्री पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट होते हैं? साइटॉन, डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। सो पहला है साइटॉन, दूसरा है डेंड्रॉन, एंड थर्ड इज एक्सॉन। सो नर्व सेल इस तरीके से होगी। दिस इज नर्व सेल एंड एट द एंड ऑफ नर्व सेल देयर इज एक्सॉन। ऐसा होगा। सो यहां पर इसमें कई तरीके से फाइबरस रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। ये इसका हेड कहला रहा है, जिसको हम साइटॉन बोलेंगे, और इसी में सेल होता है, तो ये मेन बॉडी है। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड, ये जो पार्ट है दिस इज साइटॉन, दैट मीन्स सेल बॉडी। इसका दूसरा नाम है सेल बॉडी, क्योंकि इसी में सेल है, और बाकी इसके ऊपर एक तरीके की कवरिंग है, क्योंकि ये बहुत थिन है तो ये टूट ना जाए, तो इसलिए इसके ऊपर एक कवरिंग है।
टू प्रोटेक्ट इट, क्योंकि ये लेंथियर होती है, हाफ मीटर या 1 मीटर तक की लंबी भी हो सकती है, तो एक इसके ऊपर कवरिंग है। ये सच टाइप ऑफ कवर इज देयर एंड ये जो कवरिंग है ये एक तरीके की प्रोटेक्टिव कवरिंग है। जैसे वायर होता है तो वायर के ऊपर एक इंसुलेटेड चीज कोई लगी होती है, तो उसी तरीके से इंसुलेटर होता है जिससे वायर कट ना जाए। तो ये जो बीच का पोर्शन है इसको हम कह सकते हैं दिस इज एग्जॉन, सो इट इज एग्जॉन एंड लास्ट वन इज द नर्व एंडिंग, लास्ट एंड है इसका नर्व एंडिंग। तो यहां पे ये एंड हो जाता है, दैट इज नर्व एंडिंग। साइटॉन में ही जो सेल बॉडी है इसी में कुछ पोर्शन से बाहर निकले हुए हैं जिनको कि डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स कहते हैं। सो फ्रॉम साइटॉन्स देयर आर सर्टेन ब्रांचेस विच आर नोन एज डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स, दीज आर डेंड्राइट्स ऐसे कह सकते हैं। सो इनको डेंड्राइट्स भी कह सकते हैं, ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं। सो ये चीज हो जाएगी। नाउ नर्व एंडिंग को इसमें अलग से कोई पार्ट नहीं माना गया है, बस इन्हीं तीनों पार्ट को माना गया है। नाउ इट इज इसके ऊपर एक तरीके की कवरिंग है जिसको कि माइलिन शीथ कहा जाता है, एक कवर है एक तरीके का। तो जैसे शीथ चढ़ी होती है वायर पे, शीथ चढ़ी होती है जो हम वायर बाजार से खरीद के लाते हैं, तो ये एक तरीके की कवरिंग है। और इसी में ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। और जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, अगर मान लीजिए कोई हॉट बॉडी है तो यहाँ टच करेगी और वह यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मूव करेगा इसके थ्रू और यहाँ पहुँचेगा, यहाँ दूसरा न्यूरॉन होगा वहाँ से आगे पहुँचेगा। तो इस तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन ये आगे बढ़ता चला जाता है, जो मैसेज है वो इस तरीके से पहुँचता है। सो मैसेज का ट्रांसफर ऐसे होता है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में जो जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हम जान लें कि क्या क्या इसके पार्ट्स हैं। नाउ द साइटॉन इज या सेल बॉडी इज हैविंग ए सेंट्रल न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटॉन या सेल बॉडी इज मेन पार्ट ऑफ इट ऑफ न्यूरॉन, इट कंटेन्स सेंट्रल न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसमें प्लाज्मा भी भरा हुआ होता है एंड डेंड्रॉन्स आर रूट लाइक स्ट्रक्चर विच आर ये अपेंडिजेस या प्रोट्रूडेड आउट ऑफ साइटॉन। सो डेंड्रॉन्स आर रूट लाइक स्ट्रक्चर कमिंग आउट फ्रॉम साइटॉन से निकले होते हैं। दे रिसीव सिग्नल, ये सिग्नल को रिसीव करते हैं, बाहर हॉट बॉडी है या कोल्ड बॉडी है या लाइट है,
दे रिसीव सिग्नल, एंड रिसीव सिग्नल एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, क्योंकि हॉट बॉडी में तो इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए फ्लो करे तो इम्पल्स बोला जाएगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विच मूव फ्रॉम साइटॉन टू नर्व एंडिंग, जो कि ये नर्व एंडिंग है, विच जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो अब मूव करेगा, विच मूव्स फ्रॉम साइटॉन टू नर्व एंडिंग एट वेरी फास्ट स्पीड। थ्रू एक्सॉन, तो ये लेंथ वाइज लंबे होने चाहिए, क्योंकि अब टच जहां किया है वहां से सीधा ब्रेन तक पहुंचना चाहिए चाहिए, तो लेंथ नहीं होगी तो ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा। तो मेन तो एक्सॉन ही इसका कैरियर है। जैसे आपके मोबाइल चार्जर होता है तो जहां एडाप्टर लगा है जो मोबाइल है उसके बीच में तार की जरूरत है कि नहीं, अगर वायर ना हो तो कैसे मोबाइल चार्ज करोगे, क्या स्विच के पास रख दोगे। तो एक्सॉन भी बहुत महत्वपूर्ण है। सो थ्रू एक्सॉन, तो एक्सॉन के थ्रू ये पहुंच जाता है। ये तो एक्सॉन का काम है कि एक्सॉन करता क्या है, ये मैसेज को ट्रांसमिट करता है। नाउ व्हेन मैसेज रीचेस एक्सॉन, क्या है, इट इज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कवर्ड विद माइलिन शीथ। एक्सॉन इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कवर्ड विद माइलिन शीथ। ठीक है, एंड हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग सिग्नल, एंड हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रॉम आवर सेंसेस। हमारी बॉडी में कई सेंसेस हैं, जैसे स्किन हो गई, आईज हो गई, नोज हो गई, टंग हो गई, ईयर हो गई, ये सब सेंसेस हैं। तो उस स्थान से ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं, फ्रॉम आवर सेंसेस टू ब्रेन। सो विच हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम आवर सेंसेस, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, फ्रॉम आवर सेंसेस जैसे आईज, स्किन, इन सब चीजों से टू ब्रेन, ये ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, एट नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग तक जब सिग्नल पहुंचा, सो एट नर्व एंडिंग द सिग्नल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन बाई ए केमिकल। तो एक केमिकल यहाँ प्रोड्यूस करेगा और उसी केमिकल को दूसरा न्यूरॉन रिसीव कर लेगा और फिर उसमें से भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स चलने लग जाएंगे। सो एट नर्व एंडिंग द मैसेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन एट नर्व एंडिंग। मैसेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन ऐसे होता है। अब हम देख लें कि ये जो न्यूरॉन्स हैं वास्तव में ये किस तरीके के हैं, इनका किस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये न्यूरॉन्स हैं, इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। सो दीज आर न्यूरॉन्स।
तो यहाँ पर दिखाया गया इसमें सेल बॉडी दिखाई जा रही है और जो बीच बीच में दिखाए जा रहे हैं वो क्या है, सो दीज आर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जैसे ये दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर भी हैं। नाउ इसका एक और भी फिगर है, आप इसमें भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल ये न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं मिलियंस, तो यहाँ एक न्यूरॉन नहीं है, मिलियंस एंड मिलियंस है, सब एक दूसरे के पीछे हैं, तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। नाउ अगर हम सिंगल न्यूरॉन देखना चाहें तो सिंगल न्यूरॉन भी है, तो सिंगल न्यूरॉन इस तरीके का होगा, एक नर्व सेल। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये सेल बॉडी है, तो ये सेल बॉडी हो गई, इसमें डेंड्राइट्स है और ये एक्सॉन है जिसके ऊपर एक माइलिन सीथ है, और ये जो रेड कलर का ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है और वो इस तरीके से नर्व एंडिंग पर पहुँच रहा है, तो ये सिंगल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, सो ब्रेन में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, हम अपनी बॉडी में देखें नर्वस सिस्टम कैसे होता है, ये एक न्यूरॉन है, सो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा ये यहां दिखाया गया है, ये देखिए ऐसा न्यूरॉन्स होगा जो हमारी बॉडी में ब्रेन के थ्रू और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पहुंचता है। तो हमारी बॉडी में ये न्यूरॉन्स इस तरीके का होता है और ब्रेन में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। सो लेट अस सी दैट हाउ इज द ह्यूमन ब्रेन किस तरीके की होती है। सो ह्यूमन ब्रेन, वेलकम टू, ये देखिए लोकलाइजेशन, दैट इज टू से ये एक्चुअल ह्यूमन ब्रेन, वेयर इन द ब्रेन ऑफ योर पेशेंट द डिजीज प्रोसेस इज अकरिंग, दैट्स द टोटल रीजन फॉर मोस्ट ऑफ यू, ये ब्रेन का एक पीस है, दिस इज द पीस ऑफ ब्रेन, ऑफ द ब्रेन, otherwise this is brain. Now let's look at the surface of the brain. We've removed the coverings, the leptomeninges, the pia and the arachnoid, and I want to just show you the different lobes of the brain as an introduction. In addition, इसमें millions of neurons होते हैं. You can see the brain stem. The brain stem extends from this region where my probe is, a little bit difficult to see, down all the way here to where the spinal cord was attached. In addition, you can see the cerebellum involved with coordinated motor control, as well as the surface of the cerebral cortex. This is the ventral surface of the brain, and the most prominent feature here is the temporal lobe, which I am outlining. तो ये ब्रेन के अलग अलग पार्ट होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, तो यहाँ पर ये ब्रेन दिखाया जा रहा है। And together they make up the end of the temporal lobe posteriorly and the tip of the temporal lobe anteriorly. And then we look for a sulcus on the surface. So we're just getting our bearings. The frontal lobe is regions, these little notches here. So the consequences of cerebral stroke, we'll see that some strokes can knock out nickel. And later now, we'll talk about special localizations between the brain hemispheres. Brain do parts but right now, I just want to point to the fact that the two hemispheres are held together by a large band of fibers called the two corpus hemispheres callosum. Are connected and with that each other. Are held together by a large band of fibers called the corpus callosum. No. ये अलग अलग हेमिस्फीयर है. Is a ना, तो ये बात हमने देख ली कि नर्व सेल क्या होती है और उसका काम क्या होता है। इसका काम होता है मैसेज के ट्रांसमिशन में, हम जो थॉट प्रोसेस करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बॉडी की बैलेंसिंग करते हैं,
डांस करते हैं या कोई भी चीज ऐसा करते हैं जिसमें इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड है, तो वहां पर नर्वस सिस्टम ही काम में आता है। नाउ वी विल सी द इंटेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ बुक। तो बुक के इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर 78। नाउ पेज नंबर 78 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। सो हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। तो वो दैट इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल, मसल सेल्स हमारी बॉडी में मूवमेंट कराते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डज ए न्यूरॉन लुक लाइक, कैसा दिखता है? व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक, एक न्यूरॉन कैसा दिखता है? सो न्यूरॉन इज ए यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन इज ए यूनिट ऑफ जैसे सेल हमारी बॉडी की फंडामेंटल यूनिट है, तो इट इज ए यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। सो विच सर्व टू ट्रांसमिट मैसेज इन अवर बॉडी, विच सर्व टू ट्रांसमिट मैसेज इन अवर बॉडी, जो कि सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। मैसेज इन अवर बॉडी तो ये काम करता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी विद न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इट कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी विच इज नियरली स्फेरिकल। इस स्फेरिकल इट कंटेन्स, इसमें क्या क्या चीजें होंगी? इट कंटेन्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। From cell body, root-like structures come out, which are known as dendrites. From cell body, root-like structures come out. Called dendrites, which receive message. Cell body convert those messages into electrical impulse. Cell body converts, ठीक है, दोज मैसेज, सेल बॉडी ने लिखे, उसके बाद ही जैसे ही वो मैसेज को रिसीव करेगा वहीं पर वो
क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, डेंड्राइट्स के अदर एंड पे ही हो जाते हैं। सो ये लिख सकते हैं विच रिसीव मैसेज दीज मैसेजेस या विच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फॉर फर्दर ट्रांसमिशन वाया न्यूरॉन। मैसेज मूव्स फ्रॉम सेल बॉडी टू नर्व एंडेड इन वन डायरेक्शन। मैसेज मूव फ्रॉम सेल बॉडी टू नर्व एंडिंग इन यूनिडायरेक्शन। सेल बॉडी इज कनेक्टेड टू ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सेल बॉडी एट वन एंड हैज लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कॉल्ड एक्सॉन विच ऑन अदर एंड हैज फ्यू ब्रांचेस। कॉल्ड नर्व एंडिंग। तो इस तरीके से ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो गया। अगली बात पूछी गई है कि गिव थ्री फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल, जो हमारे हार्ट में मसल होती है उसके फीचर्स बताइए। सो गिव थ्री फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। नाउ कार्डियक मसल्स आर इनवॉलंटरी, तो ये हमारी इच्छा पे काम नहीं करती हैं। कार्डियक मसल्स आर, हार्ट हमारी मर्जी से थोड़ी धड़कता है, इन वॉलंटरी। सो ये विसरल मतलब कि ये ऐसा ऑर्गन है नॉन विसरल ऑर्गन जो हमारी इच्छा पे नहीं होता है। दूसरी चीज, कार्डियक मसल्स आर सिलेंड्रिकल ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। कार्डियक मसल्स आर सिलेंड्रिकल स्ट्रिप्ड भी होती है, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड न्यूक्लिएटेड। तीसरी चीज क्या है, इट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टायरलेसली थ्रू आउट लाइफ। इट शोज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, पंपिंग करता है तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स तो करेगा। रिलैक्सेशन, हमने आपको वीडियो दिखाया था कि नहीं हार्ट कैसे पंप करता है, टायरलेसली बिना थके थ्रू आउट लाइफ। जीवन पर्यंत ये बिना रुके एक रिदमिक मोशन करता रहता है, लयबद्ध तरीके से मूव करता है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू।
एरियोलर टिश्यू का क्या काम है? वॉट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू? एरियोलर टिश्यू, लूज एरियोलर टिश्यू भी होते हैं और डेंस एरियोलर टिश्यू भी होते हैं। जो डेंस एरियोलर टिश्यू होते हैं वो टेंडन और लिगामेंट होते हैं, जबकि जो लूज एरियोलर टिश्यू होते हैं वो हमारी स्किन से मसल को लाइगेट करते हैं। सो एरियोलर टिश्यू इज ए कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर टिश्यू इज अ कनेक्टिव टिश्यू इट फिल्स द स्पेस इन साइड ऑर्गन इट फिल्स द स्पेस इन साइड ऑर्गन एंड सपोर्ट इन इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। ये एरियोलर टिश्यू में ऐसा होता है। नाउ जो एरियोलर टिश्यू हैं इसमें भी इट ये सारा काम करते हैं। इसके अलावा इट बाइंड्स स्किन टू मसल, मसल टू बोन एंड बोन टू बोन। इट बाइंड्स स्किन टू मसल, वो लूज एरियोलर टिश्यू है। मसल्स टू बोन एंड बोन टू बोन। इस तरीके से ये सारा काम करते हैं। एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइजेस में पूछा गया है डिफाइन द टर्म टिश्यू। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। डिफाइन द टर्म टिश्यू। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर और अनसिमिलर सेल्स विच वर्क टूगेदर फॉर एकम्प्लिश सर्टेन टास्क। सो फॉर कॉमन टास्क, तो ये चीज हमने बता दी है आपको। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टूगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, क्या क्या चीजें होती हैं? टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टूगेदर मेक द जाइलम टिश्यू। ये भी हमने आपको बता दिया है कि जाइलम टिश्यू चार तरीके के एलिमेंट से, कंपोनेंट से बने होते हैं। जाइलम वेसल, जिसमें पानी बहता है, इसी के थ्रू पानी जाता है। फिर जाइलम पैरेन्काइमा भी होगा, क्योंकि वो उसका मेंटेनेंस करेगा। जाइलम ट्रैकीड होगा और इसके अलावा जाइलम फाइबर होगा। फिर उनका नाम भी बताना, नेम देम। तो चारों का नाम बता देना आप। तीसरी बात कही गई है हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स। ये देखें, हाउ आर सिंपल टिश्यू, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा क्या होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कह रहा है कि सिंपल परमानेंट, सिंपल प्लांट टिश्यू और ये जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में अंतर बताओ। सो हाउ आर सिंपल टिश्यूज, वैसे मैं ये बता दूं कि जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो वन टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं। तो टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम
कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स कितने के बने होते हैं, एक से ज्यादा के। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट्स, तो कैसे ये डिफरेंट हैं? नाउ सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, इसका आंसर है जो सिंपल टिश्यूज हैं या सिंपल परमानेंट टिश्यू, वास्तव में परमानेंट टिश्यू के ही दोनों टाइप हैं। सिंपल टिश्यू इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ सेल्स, वाइल कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज मेड अप ऑफ, इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। जो सरल ऊतक हैं वो एक प्रकार की ही कोशिकाओं से बने होते हैं, और जो जटिल ऊतक हैं वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्लेरेन्काइमा, बिटवीन पेरेन्काइमा कोलेन्काइमा एंड स्लेरेन्काइमा, सो इन सभी में ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल, वैसे तो मैंने इनके बीच में डिफरेंसेस आपको बताए हैं लेकिन सेल वॉल के बेसिस पे नहीं बताया है, तो इसलिए हम इसका डिफरेंस सेल वॉल के बेसिस पर देखें। नाउ पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्लेरेन्काइमा सेल वॉल इज प्राइमरी, सेल वॉल इज प्राइमरी, बिल्कुल अभी अभी बनी होती है, ज्यादा मोटी भी नहीं होती है, सेल वॉल इसमें भी प्राइमरी है, सेल वॉल इज प्राइमरी, ज्यादा डेवलप्ड नहीं होती, सेल वॉल सेकेंडरी होती है, उनके बीच में मिडिल लमेला आ चुका होता है, सेल वॉल इज सेकेंडरी, ये चीज है, उनमें भी डिवीजन हो जाते हैं। तो सेल वॉल इज थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल इज थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल हैज लोकलाइज्ड, सेल वॉल क्या होता है, इज लिटिल थिकर, एंड एट कॉर्नर एक्स्ट्रा सेलुलोज इज डिपॉजिटेड, एंड एट कॉर्नर्स ऑफ सेल वॉल एक्स्ट्रा सेलुलोज, सेलुलोज रुई ही है, एक्स्ट्रा सेलुलोज इज डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड जिस स्पेस पे मैं लिख रहा हूं वो भी सेलुलोज है, जो ग्रास होती हैं वो भी मोस्टली सेलुलोज हैं।
इसीलिए इस वर्ल्ड को सेल्यूलॉइड वर्ल्ड कहा जाता है. सेल वॉल इज वेरी थिक एंड इट इज थिकेंड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन. इट इज थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निफाइड हो जाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन. लिग्निन भी एक तरीके का प्रोटीन है जो सीमेंट लाइक होता है, वो उसको बहुत हार्ड बना देता है, जैसा कि कोकोनट हस्क में होता है. तो वॉट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, वॉट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा. द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टोमेटा क्या है? द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा आर पहला एक्सचेंज ऑफ गैस विद एटमॉस्फेयर. हम जानते हैं स्टोमेटा खुलते और बंद होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है. सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद एटमॉस्फेयर. एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ऑफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. रात को ये ऑक्सीजन लेते हैं क्योंकि इनको सांस लेना होता है. रात को तो फोटोसिंथेसिस होती नहीं है और दिन में उल्टा काम होता है, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. सो दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एग्जाम्पल CO2 एंड O2, ये सारी गैसेस ये लेते और छोड़ते हैं. दूसरी चीज ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर वेपर. लॉस ऑफ वाटर वेपर विच क्रिएट्स ए सक्शन. इससे एक सक्शन होता है, ऊपर की ओर खिंचाव होता है एंड वाटर राइजेज अप टू लीव्स. एंड वाटर राइजेज फ्रॉम रूट्स टू लीव्स. क्योंकि खाना बनाने के लिए तो पानी जरूरी है, फोटोसिंथेसिस करना है तो वाटर और CO2 से ही तो फोटोसिंथेसिस होती है और फिर तभी तो ग्लूकोज बनेगा. नाउ डायग्रामिकली शो द डिफरेंस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर. तो कहा जा रहा है कि डायग्राम के थ्रू बताओ, डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस of 3 types of muscle fiber of तो तीनों का डायग्राम भी बताओ और उनमें डिफरेंस भी बताओ. 3 types of muscle fibers तो ये आप बता दीजिएगा, हमने आपको बता दिया है. नेक्स्ट इज what is the specific function of cardiac muscle. What is the specific function of cardiac muscle? तो cardiac muscle का क्या काम है? Cardiac muscle is present in heart.
कार्डियक मसल इज प्रेजेंट इन हार्ट वैसे ही इन टेस्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया था इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स रैपिडली एंड कंटिन्यूअसली इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स रैपिडली तेजी से ही करती हैं रैपिडली एंड कंटिन्यूअसली विद ए रिदम रिदम के साथ ही ऐसा काम करती हैं नाउ आर के बाद एच आएगा विद ए रिदम बट नेवर गेट फटीग एंड नेवर गेट टायर्ड एंड नेवर गेट टायर्ड ये कभी थकती नहीं है नेवर गेट टायर्ड एंड पंप द ब्लड थ्रू आउट ब्लड बॉडी एंड पंप द ब्लड थ्रू आउट बॉडी थ्रू आउट बॉडी ये बात है डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रिएटेड अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक मसल सो मसल फाइबर में फिर यहां डायग्राम बना देना और कुछ न करना क्योंकि ये फिर से पूछ लिया गया है एट में डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रिएटेड स्ट्रिएटेड अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक मसल ऑन बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड साइट एंड लोकेशन इन बॉडी और कहाँ कहाँ होती हैं एंड साइट लोकेशन इन अवर बॉडी तो हमने आपको बताया था कि जो स्ट्रिएटेड हैं वो जो हम वॉलंटरली काम करते हैं दैट इज विसरल ऑर्गन्स ये नॉन विसरल ऑर्गन्स हैं जैसे अंदर में है तो क्या है कि फूड पाइप है इंटेस्टाइन है वहाँ सब होती है कार्डियक मसल भी नॉन विसरल ऑर्गन्स में होती है जैसे हार्ट में होती है तो कहाँ कहाँ कौन कौन होती है और उनमें क्या क्या डिफरेंस है ये सारी की सारी चीज़ आप बता दें जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है नाउ नेक्स्ट इज नाइन्थ क्वेश्चन Draw the label diagram of neuron जो कि आपको बताया जा चुका है Draw label diagram of neuron and name the following इनके नाम बताने हैं Name the following. पहली बात है टिश्यू दैट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ अवर माउथ हमारे इनर चीक्स किसके बने हैं टिश्यू दैट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ our mouth that is stratif ये squamous epithelial tissue single lined है stratified नहीं है सिर्फ squamous epithelial tissue next
टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन, टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन, तो टेंडन, तीसरा है टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट, कौन करता है प्लांट्स में खाने को पहुंचाने का काम, दैट इज फ्लोएम, नेक्स्ट इज टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में फैट किस टिश्यू में है, दैट स्टोर्स फैट इन अवर बॉडी, तो दैट इज एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, नेक्स्ट इज टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू विद ए फ्लूइड मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू विद फ्लो करने वाली मैट्रिक्स, फ्लो भी करती रहे, फ्लूइड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तो सभी में है, बोन में भी मैट्रिक्स है, हर जगह मैट्रिक्स है, कार्टिलेज में भी है, हर जगह है, लेकिन ऐसी मैट्रिक्स जो फ्लो करती रहे, कौन सी है ऐसी मैट्रिक्स जो फ्लो करे, सो दैट इज ब्लड एंड लिम्फ, उसको कहेंगे वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर जो फ्लो करे, जैसे वैस्कुलर बंडल नहीं होता जाइलम एंड फ्लोएम, उसमें भी तो उसका नाम ही वैस्कुलर का मतलब जो कंडक्शन के लिए हो, वैस्कुलर टिश्यू जो फ्लो करे उसको कहते हैं वैस्कुलर, ये नाम है, ये एटिमोलॉजी है, तो किसी का नाम का ओरिजिन, सो ब्लड एंड लिम्फ, अगर आप ये न लिखना चाहें तो ब्लड एंड लिम्फ लिख दें, आपको पूरे नंबर है। नेक्स्ट इज द टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन, ब्रेन में कौन सा टिश्यू होता है, अभी हम लोगों ने ब्रेन देखा तो उसमें कौन सा टिश्यू होगा, प्रेजेंट इन ब्रेन, सो टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन इज नर्वस टिश्यू, तो उसमें नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग कि कहां कहां कौन कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है पता करो, स्किन में कौन सा प्रेजेंट होगा, सो स्किन में कौन सा प्रेजेंट है, बार्क ऑफ ट्री में कौन सा होगा, बार्क ऑफ ट्री में कौन सा होगा, इसके अलावा बोन में कौन सा होगा, लाइनिंग ऑफ किडनी में कौन सा होगा, लाइनिंग ऑफ किडनी में कौन सा होगा, ट्यूब्यूल में कौन सा होगा, ट्यूब्यूल, सो लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल एक ही साथ है, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल में कौन सा होगा और वेस्कुलर बंडल में कौन सा होगा, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल का मतलब ये यूरेटर कह रहा होगा कि यूरेटर में कौन सा होगा जो हम लोगों ने फिगर में देखा था, और वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल आपने देखे थे प्लांट में, वेस्कुलर बंडल कई होते हैं, सब सर्कुलर में अरेंज होते हैं, सो बंडल, इन सब में वो हमसे पूछ रहा है कि कौन कौन से टिश्यू
होंगे तो स्किन में एपिथेलियल टिश्यू होगा जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस होगा। तो स्ट्रेटिफाइड कई मल्टीलेयर्ड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस का मतलब होता है मल्टीलेयर्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सो एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू हो गया। फिर पूछा गया है बार्क ऑफ ट्री में, तो बार्क ऑफ ट्री में कौन सा होगा, प्रोटेक्टिव टिश्यू होगा, प्रोटेक्टिव टिश्यू, जिसे कि आप कॉर्क भी कह सकते हैं, बट कॉर्क तो ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू ज्यादा बेटर है। और बोन, बोन में कैसा टिश्यू है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल है, लेकिन स्केलेटल किसका प्रकार है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ये चीज है। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल में क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल होता है उसमें, वो यूरिन बनाता है, क्यूबॉइडल। किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं जो यूरिन बनाते हैं, इसकी यूनिट्स है नेफ्रॉन इसके अंदर, क्यूबॉइडल। और क्यूबॉइडल किसका टाइप है, एपिथेलियल का। सो एपिथेलियल टिश्यू, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कौन कौन से हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आपको एनिमल और प्लांट टिश्यू का फ्लो चार्ट तैयार होना चाहिए, परमानेंट टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, ये चीज हो गई। कहा गया है कि नेम द रीजन इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट, नेम द रीजन इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। पैरेन्काइमा कहाँ होगा, पैरेन्काइमा का एक टाइप पैरेन्काइमा भी है, टिश्यू इज प्रेजेंट। अगर मान लीजिए उसमें क्लोरोफिल है तो उसे क्लोरेन काइमा कहेंगे, और अगर उसमें एयर भरी है और पानी में तैर रहा है तो एरेन काइमा कहेंगे। पेरेन काइमा में बहुत सारे टाइप हैं। तो पूछा गया है नेम द रीजन पेरेन काइमा कहाँ कहाँ होता है। सो इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स एंड पिथ ऑफ स्टेम, सो इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या चीज होता है, जो वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ घेरे रहता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। जो जाइलम और फ्लोएम को अलग करता है उसको कैम्बियम कहते हैं, जो बीच में होता है उसे पिथ कहते हैं। सो इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स एंड पिथ ऑफ वेस्कुलर बंडल, ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मीजोफिल ऑफ लीव्स, जो बीच में खाली जगह होती है स्टोमेटा के ऊपर उसे मीजोफिल कहते हैं, उसमें जो सेल्स हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं जिससे एयर का एक्सचेंज हो सके, ऐसा हमने वीडियो में देखा है, मेसोफिल ऑफ लीव्स। सो इन फ्लोटिंग प्लांट्स ऑन वाटर, सो इट इज प्रेजेंट एज पैरेन्काइमा। इन एक्वेटिक प्लांट्स, ऑन वाटर, इट इज प्रेजेंट एज पैरेन्काइमा। एज
पैरेन्काइमा। इफ इट हैज क्लोरल क्लोरोफिल देन इट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा, ऐसा होता है। नाउ ये सारी चीजें हैं, तो वॉट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स, वॉट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स, पादप जगत में ऊपरी त्वचा की क्या भूमिका है। सो वॉट इज इट्स रोल, एपिडर्मिस इज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू, इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। जैसे हमने देखा था उसमें स्ट्रोमेटा है, इसका फिगर भी हमने बनवाया था। सो इट इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू अंडरलाइंग टिश्यू, इट प्रोवाइड्स, जैसे हम लोगों की बॉडी में स्किन है वैसे उसमें प्लांट्स में एपिडर्मिस है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू अंडरलाइंग टिश्यू, जो नीचे के टिश्यू हैं अंडर लाइंग टिश्यू, उनको ये सुरक्षा देती है। एंड एपिडर्मिस फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ वेरियस प्लांट ऑर्गन्स, एपिडर्मिस फॉर्म्स आउटर, एपी का मतलब आउटर और डर्मिस का मतलब स्किन, आउटर कवरिंग ऑफ वेरियस प्लांट ऑर्गन, वेरियस प्लांट पार्ट्स लिख दीजिए, तो ऐसा करते सच एज रूट लीव्स स्टेम फ्लावर, सच एज रूट्स लीव्स स्टेम फ्लावर्स, ठीक है, इन सबको ये देती है। स्टेम तो एक ही होगा, स्टेम फ्लावर्स रूट्स बहुत होती हैं, स्टेम एक होता है। अब ये चीज को ये कवरिंग देती है एंड रिमेन्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एनवायरमेंट, एंड खुद ये एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में रहती है, रिमेन्स विद डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एनवायरमेंट, ऐसा होता है। एनी सब्सटेंस वेदर सॉलिड लिक्विड और गैस कैन एंटर इनटू प्लांट्स और कैन मूव आउटसाइड ऑफ द प्लांट्स थ्रू दिस लेयर ओनली, कोई भी चीज अंदर जाना चाहती है बाहर निकलना चाहती है तो इसकी परमिशन के बिना नहीं निकल सकती है। सो एनी सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड और गैस जो भी चीज होगी कैन एंटर इनटू द प्लांट, कैन एंटर या फिर एग्जिट भी करना चाहे, एग्जिट फ्रॉम प्लांट्स हैज टू मूव थ्रू एपिडर्मिस, हैज टू मूव थ्रू एपिडर्मिस, इसी से निकलना पड़ेगा। सो इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसलिए सो इट कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस, ऐसे करती है। एपिडर्मिस हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, एपिडर्मिस CO2 का एब्जॉर्प्शन कराती है, एपिडर्मिस हेल्प्स इन
एब्जॉर्प्शन, और रूट में वाटर का एब्जॉर्प्शन कराती है, एब्जॉर्प्शन सेक्रीशन, जो गम रेजिन प्लांट में से बहुत सारा एक्सक्रीशन होता रहता है, गोंद निकलता रहता है, सुबेरिन निकलता रहता है, रेजिन निकलता रहता है, बाहर से बार्क चिप ऑफ होती रहती है, वो सब तो विल्टिंग ऑफ लीव्स है, पत्तियों का झड़ना है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये प्लांट में एक एक्सक्रीशन है, इसके वेस्ट सब्सटेंस का निकलना है, सो दैट इज सेक्रीशन। जो उसको जरूरत नहीं वो बाहर फेंक देगा, तो सेक्रीशन, दैट इज श्रवण, उसमें से जो भी श्रावित होता है, एक्सक्रीशन उत्सर्जन, वेस्ट सब्सटेंस का उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, जैसे फोटोसिंथेसिस हुई तो ऑक्सीजन बाहर फेंक दी तो ये हुआ ना एक्सक्रीशन, वाटर वेपर बाहर फेंक दिया तो ट्रांसपिरेशन, गैसियस एक्सचेंज, ये जो भी चीजें होती हैं, एंड ट्रांसपिरेशन, इन सब में उसकी एपिडर्मिस हेल्प करती है, इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग ऑफ पैथोजेंस, ये पौधों की रोग कारक बैक्टीरिया कीटाणुओं से सुरक्षा भी करती है, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ पैथोजन, पैथोस का मतलब होता है डिसीज और जेंस का मतलब जनरेटर, सो पैथोजेंस, तो पैथोजन से ये सुरक्षा करती है। हाउ डज कॉर्क एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू, सो पूछा गया है हाउ डज कॉर्क एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू, कॉर्क किस तरीके से एक प्रोटेक्टिव टिश्यू के तौर पर काम करता है। नाउ लेट अस सी हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज प्रोटेक्टिव टिश्यू। इन द स्टेम वी सी दैट नियर द आउटरमोस्ट लेयर लाइज अ लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू। एज द स्टेम ग्रोज ओल्डर विद टाइम द प्रोटेक्टिव लेयर मल्टीप्लाइज इन प्रोटेक्टिव टिश्यू and the outer two layers become less prominent. This protective layer is called cork. These cells are closely packed with no gaps and are thickened with a substance called suberin. This layer helps to protect the loss of water and accounts for the increase in thickness of the stem. Now, तो ये हमने देख लिया कि ये कॉर्क होती है जो सुबेरिन इसमें डिपॉजिट होता है और ये कुशनिंग इफेक्ट देती है। तो कॉर्क के बारे में हम देखें कि कॉर्क क्या काम करती है। So the cork cells are dead and do not have any intercellular space. Cork cells are dead and they do not have any intercellular space. इनमें कुछ intercellular space नहीं होता। एनी इंटरसेलुलर स्पेस, नाउ द सेल वॉल ऑफ कॉर्क सेल्स आर कोटेड विथ सुबेरिन, ये बात अभी हम लोगों ने देखी वीडियो में। द सेल वॉल्स ऑफ कॉर्क सेल, सेल वॉल ऑफ कॉर्क सेल,
आर कोटेड विद सुबेरिन कोटेड विद सुबेरिन ये सुबेरिन एक वेस्ट सब्सटेंस है जो प्लांट सेक्रीट करता है, वो इसी में रहती है सुबेरिन, और ये प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स. सो ए वैक्सी सब्सटेंस, ए वैक्सी, वैक्स होता है मोम, वैक्सी सब्सटेंस. सुबेरिन मेक्स देयर सेल्स इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैस. तो इट प्रिवेंट्स, विच प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट टू एटमोस्फियर, विच प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स टू एटमोस्फियर, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स टू एटमोस्फियर. क्योंकि वो वैक्स है तो इसलिए ये वाटर का लॉस नहीं होने देता. इट इज प्रोटेक्टिव एंड इट प्रोटेक्ट्स अंडरलाइंग टिश्यू. और क्या करती है, इट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम इन्फेक्शन, इट प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन एंड गिव्स कुशनिंग इफेक्ट. क्योंकि कॉर्क है वो अपने आप में ही कितना सॉफ्ट है, कितना भी उसमें कुछ भी करो, आप उसमें हैमर करो कुछ भी नहीं होता है, तो वो सारे डैमेज को अपने में ले लेगा और प्लांट तक नहीं जाने देगा. तो कुशनिंग इफेक्ट देता है इफेक्ट, एंड प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, एंड प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी. तो इस तरीके से किसी भी तरीके की इंजरी से भी बचाता है. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कहा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. तो पैरेन्काइमा ये परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स बताए गए हैं. एक तरफ तो वो खुद लिख दे रहा है सिंपल, एक तरफ सिंपल लिख दे रहा है और दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स वो लिख रहा है. अब यहां पर सिंपल के थ्री टाइप्स वो बता रहा है, जिसमें से एक तो वो लिख दे रहा है कॉलेनकाइमा और दो नहीं बता रहा है. कॉम्प्लेक्स में भी दो हैं, एक वो लिख देता है दूसरा नहीं बताता, जाइलम. तो इस तरीके से उसने किया है. तो बाकी चीजें अब हमें पूरी करनी पड़ेंगी. सो दिस इज पैरेन्काइमा, दिस इज स्लेरेन्काइमा, दिस इज फ्लोएम. तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया. बच्चों इस तरीके से ये चैप्टर खत्म हो गया है और इस क्लास के लिए इतना ही. इसके आगे अगला चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू बच्चों.